Yes, good morning students. As we were discussing the chapter Understanding Secularism, in which we have seen that what is secularism as the secularism means state has no religion and all religions are equal. And here we'll discuss the what is the formation of secularism India following, and we'll discuss in detail here now. Here students, according to our constitution, only a secular state can achieve its objective and ensure the following elements. हमारे ये constitution में लिखा हुआ है कि हम एक secular country हैं और हमें अपने democratic सभी aim objectives को पाने के लिए एक secular होना बहुत ही ज़रूरी है. And the following elements are added in our constitution. One, religious community does not dominate other. पहला है हमारे यहाँ, कोई भी एक religious community किसी दूसरी religious community के ऊपर dominate नहीं हो पाएगी कभी भी. Okay? Some member of a religious group do not dominate other member of the same religious community. एक ही community के अंदर जो कई सब division होते हैं, तो उसमें कोई एक division दूसरे division के ऊपर किसी तरह का डोमिनेशन नहीं कर सकता. द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. न ही सरकार किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए फोर्स करेगी, दबाव डालेगी, और न ही किसी एक रिलीजन के फ्रीडम को वो विड्रॉ करेगी. ठीक है, किसी भी तरह का उसको प्रॉब्लम करना ऐसा कुछ नहीं हो किया जा सकता है यहाँ पर. आवर कंट्री प्रिवेंट्स द एबव मेंशन डोमिनेशंस इन फॉलोइंग वेज. ये जो बातें कही गई इसको कैसे यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है. इंडिया हैज अडॉप्टेड स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. यहाँ पे रिलीजन को राज्य के कामों के सरकार के कामों से अलग रखा गया है. इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाते समय उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से डिवाइड नहीं करती. एग्जांपल, वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी, हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, एग्जांपल वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइजेस. हम यहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजियस फेस्टिवल या प्रोपोगेंडा हम एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं कर सकते. इंडिया आल्सो अडॉप्ट्स ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन अदर इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स. यहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करती आपके किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उसको प्रोपोगेट करते हैं, उनकी रेगुलर प्रैक्टिसेस में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करती. फॉर एग्जांपल, एज पर द लॉ इन दिल्ली, वेयरिंग हेलमेट इज एसेंशियल फॉर पर्सन ड्राइविंग टू व्हीलर्स, बट द सिख हैव बीन एग्जेम्प्टेड. एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सिख को जो है हेलमेट पहनने से एग्जेम्प्शन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर उनको जो टर्बन पहनते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, वो उनके एक रिलीजन का पार्ट है, इसलिए उनके लिए हेलमेट कंपलसरी नहीं किया गया, एग्जेम्प्शन दिया गया है. द स्टेट अडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन मेंशन अर्लियर. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर कोई ऐसा कस्टम या कोई ऐसी प्रैक्टिस जो रिलीजन के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है, जिसे एक सोशल एविल पैदा होती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूर करेगा. जैसे रिसेंटली आप लोगों ने देखा, तीन तलाक का जो इशू था वो महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स के फ्रीडम पर एक तरह से बैन था, वो इस पर इस तरह के तीन तलाक को इशू को यहाँ पर कोर्ट में लाया गया और उसको हटाया गया. अनटचेबिलिटी पहले थी कई रिलीजन में, वहाँ पर उसको भी बैन किया गया. इस प्रकार लॉ बना करके अनटचेबिलिटी को अनलॉफुल एक्टिविटी डिसाइड किया गया. द स्टेट ऑल्सो इंटरवीन्स इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल
इनहेरिटेंस राइट्स, इक्वल राइट, इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट रिलीजियस लॉ जो लॉज हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं या ऐसे हर लॉ जो होते हैं उसमें भी इंटरफेयर करेगी, ताकि कंट्री में इक्वलिटी जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बेसिक पार्ट है उसको मेंटेन रखा जा सके। स्टेट इंटरवीन्स इन द रिलीजन थ्रू इट्स सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द रिलीजियस कमिटीज टू एस्टेब्लिश देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू देयर इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कई तरह का सपोर्ट देती है, इवन वो अपने कल्चर को जो कि लॉफुल तरीके से फॉलो किया जा रहा है उसके लिए गवर्नमेंट फंड भी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलीजन को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिया गया है और उनको हर तरीके से कोऑपरेट किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म एंड विद अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अदर कंट्रीज में जो सेकुलरिज्म फॉलो किया जा रहा है वो इंडिया से कैसे अलग है, कैसे क्या सिमिलरिटीज हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटीज पर आते हैं, सम ऑफ द एबव मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग सेकुलरिज्म आर सिमिलर इन अदर कंट्रीज एज वेल एज हैव बीन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। जो जो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, लगभग वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स वहाँ अदर कंट्रीज के भी हैं जो कि वो यहाँ पर सेकुलरिज्म के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, दैट इज इट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। एज इन इंडिया रिलीजन हैज नो रोल इन द स्टेट, सेम वे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक लॉ पास किया गया जिसके थ्रू किसी भी ऑफिशियल रिलीजन को वहाँ पर डिनाई किया गया, मींस वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। हियर आल्सो नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। कोई न रिलीजन गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेगी, न ही स्टेट की प्रैक्टिसेस सरकार की एक्टिविटीज़ यहाँ पर रिलीजन में इंटरफेयर करेगी। डिसिमिलरिटीज यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अदर कंट्रीज के सेकुलरिज्म से अलग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सेकुलरिज्म कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर्स इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं ह्यूमैनिटी के, ह्यूमन राइट्स हैं, जिसका अगर वायलेशन हो रहा है पर्टिकुलर रिलीजन के प्रैक्टिसेस में तो गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन करती है, उसमें इंटरफेयर करती है और उसकी उस प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगा सकती है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 3 तलाक, अनटचेबिलिटी, ऐसे प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट ने बैन भी किया है। इन द इंडियन सेकुलरिज्म एनी इंटरफियरेंस इन रिलीजन बाई द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल लेड आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट तभी किसी रिलीजन के प्रैक्टिस पर इंटरफेयर करेगी जब वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट में हो रहा है। दस वी फाइंड इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन बाई एनी वन कम्युनिटी टूवर्ड्स द अदर। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है कि कोई भी एक रिलीजन दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना हो पाए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। हाउएवर वी मे फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ द वायलेशंस ऑफ दीज राइट्स इन आवर कंट्री। यहाँ पर जो भी राइट्स दिए गए हैं वो कहीं कहीं पर इसका वायलेशन देखने को भी मिल जाता है। देयरफॉर द लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। इसलिए ऐसे लॉज होने चाहिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा डिस्कस करना कि जैसे हमारे कंट्री में कॉमन सिविल कोड की डिमांड उठ रही है, ताकि जो पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने प्राइवेसी के लिए तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो उनका अलग लॉ होता है वो ना होकर के एक कॉमन पूरे कंट्री के लिए एक लॉ हो। तो स्टूडेंट्स
Here we have seen that the secularism in India is uniquely followed, and it is different from many other countries. Here you can see in 2004 France passed a law that bans students from wearing any conspicuous religious or political sign or symbols. ये मुस्लिम फ्रांस ने देखिए यहाँ पर हमारे कंट्री में ऐसा कोई भी बैन नहीं है, लेकिन फ्रांस ने 2004 में ही मुस्लिम महिलाओं को जो उनके बुर्का पहनती हैं उनके ऐसे पहनावे पे या रिलीजियस साइन बनाने के ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये ऐसा हमारे कंट्री में नहीं है, हमारे कंट्री में एक लिमिटेशन, एक जस्टिफाइड तरीके से उनको फ्रीडम मिली हुई है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।